नमस्कार, बिहार योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना एक सीट कंफर्म करें। जो भी फर्स्ट काउंसलिंग में सेलेक्टेड हुए हैं उनका एक सीट कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आपको 3,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। अब पेमेंट कैसे करना है वो देख लीजिए, है ना। अभी तक जो लोग नहीं देख पाए हैं कि उनका कौन सा कॉलेज मिला है, तो उसके लिए भी ये प्रोसेस कारगर होगा। देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18 तारीख को कल ही मतलब आया है कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट, है ना। उसके बाद 19 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक आपको क्या करना है, 3,000 रुपये पेमेंट का चलान करना है। मान लीजिए आज जो पेमेंट कर देंगे तो वो 22 तारीख को जा सकते हैं, जो कॉलेज में वहाँ बुलाया जाएगा जिस एड्रेस पर, वहाँ पर आपको जा करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एडमिशन के समय भी आपको पेमेंट लगेगा कुछ, है ना। अगर सरकारी कॉलेज है तो एक बार में पेमेंट लगेगा, अगर कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है तो आप 30,000, 40,000 ऐसे करके आप एक बार दे सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको कैसे पेमेंट करना है। तो CET बिहार BEd लिख करके एक बार गूगल पर, फिर यहाँ पर खुलेगा बिहार BEd, है ना, LNMU.in जहाँ रहेगा उसको पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस इस तरह का खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 डॉट है, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर 3 डॉट रहेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो देखिएगा रेड कलर का यहाँ पर रहेगा, क्लिक हेयर टू लॉग इन फॉर सीट अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। मतलब जिसका फर्स्ट राउंड में हुआ है वो देख भी सकते हैं यहाँ से। इसको क्लिक करेंगे रेड वाले को क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यूजर नेम पासवर्ड, है ना, फिर कचप्पा डालिएगा, लॉग इन करिएगा। लॉग इन करने के बाद फिर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखिए ये किसी का फोटो है, फिर है ना नाम है, पता है, CML रैंक है, कैटेगरी रैंक है। और उसके बाद कितने लोग यहीं पर जाकर के रुक जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ है, तो वो गौर से देखें। इसके बाद इस ब्लू वाले टिक पर क्लिक करना है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरा ऐसा दिखा रहा है, तो भाई आप लोग चलाने जानते हैं ना मोबाइल, तो मोबाइल चलाना जानते हैं तो ये देखिए ये ब्लू वाले टिक पर जा करके क्लिक करना है। ये जो ब्लू वाले लाइन है बार, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको देखिए यहाँ पर आपका पूरा डाटा के साथ आपको दिया रहेगा कि आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं। देखिए क्वालिफाइड जब रहेंगे, फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नाम रहेगा, तो यहाँ देखिए कॉलेज नेम यहाँ पर रहेगा। देखिए ये है कॉलेज नेम, भगवान प्रसाद शिवनाथ प्रसाद BEd कॉलेज दाऊद नगर औरंगाबाद, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी से है तो वो भी लिखा हुआ है, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि आपका सीट अलॉटमेंट केवन नंबर का हुआ है, मतलब ये जो बंदा था वो दूसरा नंबर में इस कॉलेज को चुना था। पहला कॉलेज को चुना होगा, उसके बाद दूसरे कॉलेज का ये प्रेफरेंस इसको मिला है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट किस तरह का सीट आपको मिला है, तो प्राइवेट, PRV माने प्राइवेट, गवर्नमेंट रहेगा तो GOV लिखा रहेगा, कंस्टिट्यूएंट रहेगा तो CON लिखा रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा उसके ऊपर भी बनाया है। देखिए आवश्यक निर्देश ये जरूर पढ़ लीजिएगा, क्या क्या लेके जाना है, एक सेट फोटो कॉपी जरूर लेकर के जाना है जहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। और स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, मतलब सेल्फ अटेस्टेड, आप अपना साइन कर दीजिए, है ना, और लिख दीजिए सेल्फ अटेस्टेड और साइन नीचे में, ठीक है। क्या क्या लेके जाना है इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था, वही वही सब चीज़ है, कोई इसमें इफ बट नॉट नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, फिर आपका रिजल्ट कार्ड, स्कोर कार्ड। बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, मैं पहले ही इसके लिए वीडियो बनाया था कि स्कोर कार्ड जरूर डाउनलोड करके रखें, सेव करके रखें, आपको मांगेगा। उसके बाद जब 3,000 रुपये का पेमेंट टच करिएगा उसका रहेगा रसीद 3,000 का, ठीक है। उसके बाद क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, है ना, डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आपका EWS सर्टिफिकेट अगर है तो, फिर CLC, ठीक है, फिर आपका और कोई सर्टिफिकेट आपको जो लगता है कैटेगरी में तो वो लगा सकते हैं। फिर आपका है क्या कि रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, 4 ठो लगेगा। तो उसके बाद आपको अगर मान लीजिए पेमेंट करना है तो ये सब डॉक्यूमेंट के लिए एक अलग वीडियो में मैंने बना दिया है क्या क्या लगेगा। और मान लीजिए नहीं है तो उसके बाद आपको क्या करना है उसके लिए भी मैंने बनाया है। मान लिया जाए देखिए अगर प्राइवेट सीट मिल गया, ठीक है, इनको अगर पसंद है तो यहाँ पर आ गया एक्सेप्ट पेमेंट, है ना, एक्सेप्ट करके अब पेमेंट करना है। अगर नहीं पसंद है तो इसके लिए अलग ऑप्शन आएगा, मतलब छोड़ देना है,
कुछ करना नहीं है, नहीं पसंद है, दूसरे बार में काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि देखिए, आपको सलाह दी जाती है कि काउंसलिंग या नामांकन में उपस्थित होने से पूर्व आश्वस्त होने और उपरोक्त प्रमाण पत्र लेकर के आए, ठीक है, और आपकी उम्मीदवारिता पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है, जो जो है इसमें ऊपर लिखा हुआ, और अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए आप भी चिंतित नहीं हो, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, जाकर के देखिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नाम करके एक वीडियो होगा, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और पहले में जो आपको कॉलेज मिला उसमें ही ले लीजिए नाम, ऐसा लिखा गया है यहाँ पर, जिस कॉलेज में पहला बार में मिला है उसको ले लीजिए। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग में ऐसा कोई चांस नहीं है कि फिर आप जो खोज रहे हैं वो मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान में रखिए, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, तो रिस्क क्यों ले, है ना अपने। उसके बाद अगर ये ग्रीन कलर का जो है बार, वहाँ पर आप जब क्लिक करिएगा तो ये पेमेंट के ऑप्शन पर चला जाएगा, इस तरह का फेस खुल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कार्ड और नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का ऑप्शन क्लिक करिए यहाँ पर जाने के बाद, और वहाँ पर क्या करिए, डेबिट कार्ड का ऑप्शन कर दीजिए। ये देखिए, डेबिट कार्ड का ऑप्शन करने के बाद डेबिट कार्ड नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए और OTP आएगा, OTP डालिए, तो 3,000 रुपये का चलान कटता है। 3,000 रुपये यहाँ पर 3,000 से ज़्यादा भी लगेगा, 67 रुपया, 70 रुपया लगभग ज़्यादा लगेगा। क्यों क्यों क्योंकि GST सब जो है ना वो कटता है, कार्ड से जब पेमेंट करिएगा तो 67-70 रुपया भर लगभग पिछले बार लगा था, तो इस बार भी वही लगभग लगेगा, ठीक है। और भी कोई भी जानकारी के लिए, सिलेबस क्या होगा, फुल कोर्स सब चीज़ बताया जाएगा, बस बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को। इससे पहले अगर कोई लोग जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो टेंशन ना लें, फर्स्ट काउंसलिंग में जिनका नाम नहीं आया है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, वहाँ पर जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, आज ही वीडियो अपलोड किया गया है सुबह सुबह, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए हमेशा प्रयासरत हूँ कि अच्छा से अच्छा चीज़ दे सकूँ आपके लिए, तो बस बने रहिए हमारे चैनल से, जुड़े रहिए बिहार योद्धा चैनल से। देखिए, ये भी आपका सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा ये सब बताया गया है एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से। अगर नहीं है यह सर्टिफिकेट तो क्या करना होगा, अंडरटेकिंग का एक प्रोसेस होता है, अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाता है तो वो भी भर सकते हैं, ठीक है, तो वो सब जाकर के देख सकते हैं। बिहार योद्धा चैनल हमेशा आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का, स्टेटिक GK का टॉपिक लाते रहता है। अभी JPSC के लिए हम लोगों ने लगभग 80 सेट कराया और आज JPSC की परीक्षा है, उसमें सभी जो भी JPSC के परीक्षा देने गए परीक्षार्थी को बिहार योद्धा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। आगे हम लोग फिर मिलेंगे, 1 बजे आज मिलेंगे महासेशन में, आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। तो JPSC का क्वेश्चन देखने के लिए, और उसका देखिएगा कि कहां से हम लोग कहां पढ़ाए थे, मिला या नहीं मिला, जो जो पढ़ाए हैं हमने ना वो सब मिलेगा। JPSC, BPSC, बिहार दरोगा, ठीक है, झारखंड दरोगा, सबके लिए यह जो आपका वीडियो है या आपका जो चैनल है बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो ज़रूर हमें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पेज से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ये है, या फिर कोई पूछना है तो कॉल भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि बड़ा आदमी हो गए तो आपके कॉल नहीं उठाएंगे, एकदम कॉल उठाया जाएगा और आपको जवाब दिया जाएगा। ट्विटर पर भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, टेलीग्राम पर PDF के लिए जुड़ जाइए, ठीक है। और सिंपली आपको जाके सर्च करना है क्या किसी भी पेज के लिए, बिहारी योद्धा सर्च करिए, जुड़ जाइए, ठीक है। आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।